कह लगा लजपाला जड़ा रोटियां वाला ऊंट है ओ सत्तर ऊंटा दी कतार दे दरमियान है मौला ली ने फरमाया सारी कतार ही दे ना किताबां च पढ़िया उस वेले पहले ऊंट दी मुहार कंबर दे हाथ विच सी कंबर ने मुहार ओथे सटी आप ओथे जाके खड़ा हो गया मौला ली ने फरमाया तैनू की होया कह लगा लजपाला तेरी सखावत में के डर गया किधरे मैनू भी नाल ही ना दे गिरामी कदर हजरात कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयत मुबारक पढ़ी रब तआला ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुदहिबानकुम रिज्स अहलल बैत फरमाया अल्लाह दा इरादा इस दे इलावा नहीं कि नबी दे घर वालों मैं तुहाडे तो पलीदियां दूर कर देवां वयुतहिरकुम ततहीरा और तुसनु खूब पाक साफ सुथरा कर देवां। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरान चरला ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा अमरुहु इदा अराद शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमांदा मैं जिस कम दा इरादा कर लवां मैं उन्हों कहना हो जा हो जांदा है। कुदरत इरादे भी पूरे कर लेंदी है मेरे तुहाडे इरादे नूं अलीम बिज़ात सुदूर इरादे भी जानदा है। हुण इरादा ही फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह फरमाया अल्लाह दा इरादा इस दे इलावा नहीं कि ऐ नबी दे घर वाले मैं तुहाडी तुपलीदियां दूर कर देवां तो तुसानू खूब पाक साफ सुथरा कर देवां तो पता लग्या कि जिहदा वो इरादा कर लवे वह कम तो हो जाता है। तो यह कम का इरादा अल्लाह ने कर लिया तो यह कम हो चुके है। पलीद नबी की आल के करीब नहीं आ सकता तो नबी की आल पलीदी के करीब नहीं जा सकती। हर नमाजी नूं हुक्म है कि खबरदार पलीदी के करीब ना जावी। हाजी नूं हुक्म है पलीदी के करीब ना जावी। हर नमाजी नूं हुक्म है पलीदी के करीब ना जावी। सखी नूं हुक्म है पलीदी के करीब ना जावी। हर वली नूं हुक्म है पलीदी के करीब ना जावी। अलगर्ज हर ईमानदार नूं हुक्म है कि खबरदार पलीदी के करीब ना जावी। क्यों? इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतहिरीन। अल्लाह आप ही पाक है पाक चीज़ा तो पाक लोगों को पसंद फरमा दे। इस वास्ते ईमानदार नूं हुक्म है कि अपना माल पाक रख अपनी जान पाक रख अपना अमल पाक रख अपनी हर चीज पाक रख। क्यों? उदी बारगाह च पाक चीजों कबूल कीतियां जांदियां ने। ईमान वाला पाक रवे उदा माल पाक रवे उदी हर चीज पाक रवे ताकि मालिक दी बारगाह च कबूल हो जाए। सानू सारे नूं हुक्म है कि खबरदार पलीदी दे करीब ना जाया जे पर पलीदी नूं हुक्म है खबरदार मुहम्मद दी आल दे करीब ना जावे। सानू हुक्म पलीदी वाल ना जाओ पलीदी नू हुक्म मुहम्मद दी आल दे नेड़े नहीं जाना। इतने पाक ने नबी दे घर वाले कौन है? दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों इलाने नबूवत फरमाया इशाद फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया मैं तुहाडे सारे वल अल्लाह दा रसूल बन के आया। तो कुफारे मक्का ने सवाल किया कि ऐ मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया ते रसूल ते तुहाडे तो पहले भी आए ने। अल्लाह ने नबिया मौजज़ात अता किए कमालात अता किए शाना अता कीतियाँ ते नबिया ने कोई ना कोई ड्यूटी निभाई। तुसी शाना केड़ियाँ लैके आयो ते ड्यूटी केड़ी लैके आयो? अल्लाह फरमा सोने जो शाना मेरिया पुछदे सन दस दा तू दे आए हुण शाना पे तेरिया पुछदे ने ते दस मैं ना लवां। अल्लाह ने फिर यार दियां शाना भी दसियां ते ड्यूटियां भी दसियां। पढ़ियो कुरान भाई लाहौरियो होर उचा बोलो ये हसन बेटा सियालकोट दे तकरीबन मेरे नाल ही रहिंदे ने मदीना शरीफ इस वाले मेरे नाल सन। डोगर साहब भी माशाल्लाह बिल्कुल मेरे हमसाए ने। मैं हैरान रह गया कहने लगे छः महीने हो गए मैं लाहौर आ गया। ये बच्चा कह रहा मैं फैसलाबाद सा मैंने पता तुम लाहौर आए हो तो मैं फैसलाबाद उसे दस सुनने वास्ते आ गया। तो इन्हें जाके सियालकोट दसना है कि आसी साहब को लाहौर वाले बोलते कोई नहीं रोंद नाम आ रहा जी थोड़ी भी इज्जत का मामला है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। जड़ा जड़ा हाथ नहीं चुकता नाल दा बेली फड़ के चुके जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। ए जे स्टेज पर बैठे होना तुम्हें स्टेज पर सिर्फ इस वास्ते उच्चा बिठाई दा कि तुम सारे उच्ची सुभान अल्लाह फरमा उच्चा उच्चा सुभान अल्लाह सारे फरमाओ भाई महबूब सारे का सांझा सारे बोलो सुभान अल्लाह। ऐ जड़ी ठंडी ठंडी ते मठी मठी ते मिठी मिठी हवा पे चलती है ना ये मेरी तुहाड़ी आवाज़ मदीने लै जाए तो गुंबद खिदरा का बोसा लैके आखे सोने अखी वेख के आई हाँ रातों रात ढल गई तेरे गुलाम अज भी तेरिया राह पे उड़ीक दे मदीने पैगाम पहुँचाओ तो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह।
मैं दुआ करना शाह जी पीर साहब क़िबला अमीन फरमान मेरी दुआ कबूल हो जाए। हाजियां दे काफिले मदीने जा रहे ने, या अल्लाह जेड़ा उच्चे जो सुभान अल्लाह बोले इसे साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अगले रमज़ान शरीफ सारे रोज़े मस्जिद नबी शरीफ च रख के आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले तो हाथ चुक के बोले अज रात सौवें तो ख्वाब च कमली वाला ही आ जाए। तेरा की जाता जेड़ा इस तो उच्चा बोले जागद्या महफिल च सोने का दीदार करा दे। हुण काम इत्थे रखिया जे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा व दाइयन इला अल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। परवरदिगार ने फरमाया मेरे यार दिया शाना पुछन वाले अपने यार नु मैं नबी भी बनाया शहीद भी बनाया अपने यार नु मुबशिर ते नदीर भी बनाया। अल्लाह ने यार दिया शाना दसियां यार दिया ड्यूटियां आउंदी वारी आई फरमाया वदाइयन इलल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले शैतान मेरे बंदियां नु अगवा करके लै गया मेरे बंदियों मेरे वल दावत दे जाओ शैतान की संगत ने बंदियों पलीद कर दिता है भाई जकी शाना लैके गया है तेरा मेरे बंदियों पाक करी जा अर्ज की दिया नदी ने भी तेरे बंदियों पाक करांगा मैं ते रात भी तेरे बंदियों पाक करांगा अर्ज की दिया ना मेरे घर का ख्याल कौन रखेगा। फरमा इल्ला मा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज़्ज़ा أهل البيت ويطهركم تطهيرا। अल्लाह ने रिजा फरमाया कमली वाले आओ दिन रात मेरे बंदियां नु पाक करी जा घर वाले दी फिक्र ना करी इन्हां नु मैं पाक कर देवा। अल्लाह फरमा सोने तू कर मेरे बंदे पाक ते मैं करना तेरे घर वाले पाक। तू मेरा काम करी जा मैं तेरा काम करी जाना। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू जेड़ा अल्लाह दा हो जाए अल्लाह भी ओदा ही हो जाता है। अल्लाह ओदा हो जाता। अल्लाह परमा सोने तू कर मेरे बंदे पाक ते मैं करा तेरे घर वाले पाक। सच्ची दसो यार इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज़्ज़ा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। ये आयत पढ़िए ते पता लगता है नबी दे घर वाले नु रब ने पाक किया है। ते जदों वायु जकी हिमदी आयत पढ़िए तो पता ही नहीं लगता नबी दे सहाबा नू मुहम्मद ने ते उदे रब ने पाक किया है। पता लग गया जेड़ा भी मुहम्मद दे कुर्बे च आ गया ओ ही पाक हो गया ओ ही पाक हो गया ओदा ही तज़किया हो गया। गिरामी कदर हजरात एक कुरान दी होर आयत ना पढ़ा मैं किन्ने पाक ने सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। चूंकि मौजू है शान अहले बैत रसूल तो मैं नौकरा अहले बैत रसूल दा सी सारे नौकरी बैठे आ उन्हां दे सदके मंग खान वाले गिरामी कदर हजरात इत्थे ते वड्डे 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 कहंदे इलाही बहके बनी फातिमा। इत्थे ते बड़े बड़े वड्डे कह गए इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातमा। अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामा ने आले रसूल। इत्थे बड़े बड़े वड्डे कह गए आल औलाद तेरी दा मंगता मैं आल औलाद तेरी दो मंगता। इधर ते जाके मैं इंशाल्लाह अगे गुफ्तगू करना। सुनिए कुरान अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ते इस्माइल ने जदों काबा बनाया ना जेडे हाजी जा रहे उन्होंने पूछ लिया जे काबा वेखणगे ना जदों जियारत करेंगे हाजियां दे काफिले अजकल जा रहे अगला महीना हज दा आ रहा अल्लाह सारे दे साडे नसीबां च करे ते बार बार करे। अल्लाह दे नबी जदों काबा बनाया ते अर्ज कीती या अल्लाह तेरा घर बन गया इजाजत देवें ते असी अपने घर जाइए। अल्लाह फरमा मेरा घर बनाया एक कम मेरा होर नहीं कर जाते या अल्लाह हुक्म होवे फरमा दोवें बाप ते पुत्र नबी हो हुण मेरे घर वास्ते लोगों नू आवाज दियो अद्दिन फिन नास बिल हज हुण लोगों नू आवाज दियो कि आओ अल्लाह दा घर बन गया आके हज करो तवाफ करो ते तवाफ करो ते इधर आके हज करो ते इत्थे आके इतकाफ भी करो। नबी ने इंज करके अर्ज की थी आवाज ते देवा ते इत्थे ते बंदा कोई नहीं परिंदा कोई नहीं शहर कोई नहीं आबादी कोई नहीं बस्ती कोई नहीं ते आवाज किनू जावेगी। आपने फरमाया अल्लाह ने फरमाया तो एक बार आवाज़ दे
وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اللہ دے نبی ابراہیم نے اج تو 4000 سال پہلے ایک پتھر تے کھلو کے آواز دیتی فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے اللہ کا گھر بن گیا ہے آئیے اس گھر کا آ کے حج اور طواف کریں پوری روح زمین اتے جتنے انسان سر سارے نے ابراہیم دی آواز سن لئی جڑے ماما دے شکمہ وچ سن اونا بھی ابراہیم دی آواز سنی جڑیاں روح عالم ارواج سن اونا بھی ابراہیم دی آواز سن لئی جڑی روح نے ایک باری لبائی کا کھیا وہ ایک حج کرے گا جن نے دو باری لبائی کا کھیا وہ دو حج کرے گا جن نے تین باری لبائی کا کھیا وہ تین حج کرے گا الغرض جن نے ابراہیم دی آواز دے جتنی باری لبائی کا کھیا زندگی چ اتنے حج کرے گا وہ یار مینو سچی دسیا جے 4000 سال پہلے رب دا نبی آباد مارے تے عالم ارواج بھی امتی سن لیندا اے تے نبی بلاوے تے امتی سن لیندا اے امتی بلاوے تے نبی نہیں سن سکدا سبحان اللہ نبی بلاوے تے امتی سن سکدا اے تے پھر امتی بلاوے تے نبی بھی سن سکدا اے ہن اللہ دے نبی نے عرض کیتی یا اللہ حکم کیے پڑھیے قران چلو نہیں بولے پھر کدے پڑھ لو گے تھوڑا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے مت کے دری کو شہید ہی نہ ہو جائے تھوڑا لنگر کروں کھا کے آئے کرو بنا سبحان اللہ کہیں ہاں کئی بیلی لنگر دے آس رہی ہوں تھوڑا آسرا گھر بھی ہیں جڑا پالدہ ہی حضور دے لنگر دے ہو تو بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرما واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل طہرا بیتی لطائفین والعاکفین ورکع السجود اللہ نے رضا فرما قیامت تک ایتھے لوگا رکوع کرنے آنا ہے ایتھے لوگا سجدے کرنے آنا ہے ایتھے لوگا طواف تے اعتکاف کرنے آنا ہے اللہ نے رضا فرمایا الطہرا بیتی فرمایا دوویں باپ تے پتر نبی مل گئے میرے پرونے آواز تے میرے گھر دی صفائی کری جاؤ دادا دی نگری لاہور دے رہن والے اللہ دے اپنے گھر دی واری آئی اپنا گھر نبیاں کول صاف کراندا رہیا جدوں محمد دے گھر دی واری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا آل نبی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جان دی ایڈے پاک نے نبی دے گھر والے کے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہن دے میری بات سمجھا جائے نام لیاں میاں صاحب فرماندے نے اینے پاک نے کہ بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے ہور آسان کر دے میاں صاحب دسنا چاہندے نے راتا مسلیاں تے گزاریاں بندہ ولی نہیں بندا علی علی کیتے وی بندہ ولی بن جاندا اور میں تے مجددی ہاں نا الحمدللہ
ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਮੁਜੱਦਦੀਆਂ ਚੁਰਾਹੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜੱਦਦ ਪਾਕ ਦਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਲਜਪਾਲ ਮੁਜੱਦਦ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮੇ ਰੱਬਾਨੀ ਕੰਦੀਲੇ ਨੂਰਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫਸਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਉਮਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵਲੀ ਬਣੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਲੱਖ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਾਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ ਆ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਸਖੀ ਕਿਤਨੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬਾਈ ਤਹਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਜੀ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਏ ਸਾਡੇ ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੈਦ ਮਸਕੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੋ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਕਿਤਨੇ ਸਖੀ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਲਵੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਵੇ ਉਹ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੇਟ 'ਚ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਡਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਖੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਖੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਏ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾ ਜਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਸੀ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸਖੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਾਵਤ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰੇ ਬਖੀਲੀ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁਮਲੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਖੀ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਖੀ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਕੈਦਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਕਾਫਿਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਿਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਮਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਮੈਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਸੀ ਕੂਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦਾ ਆਖਰਤ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਂਝ ਉਹਦੀ ਸਖਾਵਤ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਜਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਚਰਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਦੀ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਖਾਵਤ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸਖੀ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਖਾਵਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਵੇਖੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਜ਼ੀਅਤ ਕਰਨ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਉਸ 10 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਖਿਲਾਇਆ
दस दिन बाद जब मैं टुरिया तो मैं देखा उस सिहने च खून बिखरिया। मैं पूछा बेटा ये तेरे सिहने च खून क्यों बिखरिया? कह लगा चाचू जी अबू दस बकरियां विरासत च छोड़ के गए सन, तुसी मेरे अबू दे यार हो। मैं रोजाना दस बकरियां विचों एक बकरी जबा करके उदा मगज तुहानू खिला दिता। मैं दस दियां दस बकरियां अपने अबू दे यार नू खिला दित्तियां। हातम ताई ने आख्या मेरे नाल वड्डा सखी सी, पूछा तू उस बच्चे नू आवन लगे की दे के आया? हातम ताई ने आख्या मैं उन्हें 1000 बकरी दे के आया। तो कहन वाले आख्या उन्हें 10 खिलाईया, तू 1000 दितियां, फिर वड्डा सखी तो तू हो? उन्हें आख्या नहीं नहीं, मैं ते अपनियां 1000 बकरियां चो 1000 दे के आया, उहदे कोल ते है ही 10 सन, उन्हें वह भी कुरबान कर छड़िया। वह मेरे ना वड्डा सखी सी, वह वड्डा सखी सी, है वह वड्डा सखी सी। पता चलिया पले होवे ते सारे ही दे लैंदे ने, और ना होवे फिर भी देना। सखावत इहनू कहंदे ने। इहदा तर्जमा मैं तुहानू मियां मुहम्मद बख्श कोल ना करवा के देवां, बोले ही नहीं सुभान अल्लाह, नहीं ते करवा देना। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह, बे मुर्शदे नाल मैं कदे बोलिया नहीं, तो मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। अज गला खराब हो जाए सुबह लोग पूछन तेरे गले नू की होया, आखिर राती नबी पाक दी आल दी सखावत सुनदा रहा ते सुभान अल्लाह कहंदा रहा। अल्लाह दे नबी गए मूसा कलीम ने जाके अल्लाह दी बारगाह चर्ज की, वो कहंदा मेरा सारा रिज इकट्ठा ही दे दियो, देना तो है ही है, मुकद्दरा च लिखा तो इकट्ठा ही दे दियो, तो मैं सारा एक बार रखा लवा। अल्लाह ने उन्हें सारा इकट्ठा ही दे दिता। एक दिन अल्लाह दे नबी मूसा कलीम उहदे बूहे च गुजरे ते वेख्या उहदे घर लंगर खाना खुलिया, लोग कतारा च बैठे, लंगर तकसीम हो रहा, लोग आ रहे खा रहे जा रहे, आ रहे खा रहे जा रहे। आपनू ख्याल आया इहनू ते अपने जोगा नहीं सी लभदा, ये लोगों को खुआ रहे हैं। आप बड़े हैरान हो क्योंकि वे दूर से गए। अल्लाह दे नबी दा अर्द कीती, या अल्लाह उन्हें अपने जोगा नहीं सी मेरे दा, अर्द कीती या अल्लाह आयो लोगों को खिला रहा। अल्लाह ने फरमाया मूसा जदू तुसा आख्या या अल्लाह उन्हें इकट्ठा ही दे दे, मैं तो सारा रिज़्क़ उन्हें इकट्ठा करके दे दिता, उन्हें सारा ही मेरी राज तकसीम कर दिता, मैंने 10 गुना ज्यादा करके अता किया, उन्हें वो भी मेरी राज वंड दिता, मैं उन्हें भी 10 गुना करके ज्यादा दिता, उन्हें वो भी मेरी राज तकसीम कर दिता। हुन मामला इंज बन गया है, वो करदा चढ़ी जाता है, मैं लाई जाना वो चढ़ी जाता, दस के भेजा तो नबी पाक दे लंगर खा के पलिया ऊंचा सुभान अल्लाह करवाए। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु 10000 बकरियां मिलिया, एक हिस्सा आया हजूर नु किधरों? किनिया बकरियां? सारे बोलो किनिया। ए बड़ी इदारी है, एक बकरी गरीब बंदे खरीदनी होवे ना कुर्बानी वास्ते तो कितना मुश्किल है इस महंगाई दे दौरे च। 10000 बकरियां अज दे दौर दी कीमत दा हिसाब लगा लो। नबी पाक नो हिस्सा मिलिया। हदीसे पाके चंद दो पहाड़ों के दरम्यान जितनी जगह होंगी है ना उस सारी जगह यानी वह घाटी बकरियां भर गई, इतनी बकरियां मेरे नबी नो मिली। हजूर मदीने की गली च जा रहे थे, सफवान बिन उमैया ना मेरे नबी नो मेहना मार के कहन लगा, कहंदा मुहम्मद बड़ा अमीर हो गया। मेरे नबी फरमा किवें? कहन लगा 10000 बकरियां राह जांदे मिल गई, हिस्सा मिल गया। औलाद वाली ने फरमाया तू अजे मुहम्मद की अमीरी वेखी नहीं, क्या लगा तेरी अमीरी की है? वाली ने फरमाया मेरी अमीरी है नहीं, मैंने 10000 बकरियां मिलिया ने, फरमाया मेरी अमीरी है वे, क्या मुहम्मद ने सारियां तेनू दे दितियां ने, 10
हजार बकरियां लेई जांदा है, नाले गलियां च रौला पांदा जांदा है। कहंदा लोगो जा जा के मुहम्मद का कलमा पढ़ लो, मुहम्मद ना रज के देंदा जे गरीबी दा खौफ ही मुका देंदा। मुहम्मद ना रज के देंदा जे गरीबी का खौफ ही मुका देता जे। है वेख उन्हों दिया सखावत आला हजरत फरमाते ने हाथ जिस हिम्मत उठाग नहीं कर दिया। तो यार मैनू सची दसो उस्मान ने गनी नू ते गनी मुहम्मद ने किया ना, ओ किन्नो जिन्नू गनी मेरे नबी ना किया वे। आला हजरत फरमाते ने हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे समात पे लाखो सलाम, क्या बात उस हाथ दी, क्या उस हाथ दी सखावत है। मेरे नबी नू हजूर ने बल्कि हजूर ने फरमाया नीचे वाले हाथ नालू ऊपर वाला हाथ ही चंगा। जद तेरे बुए ते भी को मंगता जे ते शुक्र करया कर, तू मैनू मंगन वाला नहीं बनाया वंडन वाला बनाया है। हाँ कुछ दे के भेजा कर, जो दे ना ते बंडे दे मंगे ते दिल नहीं करता, दे ना ते जान ही कुर्बान कर दे। मां जिन्ने मैनू ते नहीं ना कुछ अता किया, जदू भी दया करो ना नीयत करके दया करो। असी मंगते नू दे भी दिए ना कुछ, इस नीयत ना देने जान छड़े, है ना, जान ना छुड़ाया कर सदके दी नीयत ना, कुछ चंगी नीयत करके। मैं देते मौजू शुरू कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करीम दे जोड़े दे सदका रात इसे ते गुजर जानी है। हजूर ने फरमा रब को जन्नत खरीद लो, पावे एक खजूर दे के खरीद लो, कुछ नहीं ना दे सकता, कुछ नहीं दे सकता, दुआ ही दे दिया कर। ये भी सखा वो किसी ने दुआ ही दे दे, दुआ ही दे दे किसे देना, किसे ने सखावत कर कुछ ते देना, अपने बुए तो खाली ना भेज। एक जुमला सुना मन लगा मेरी सारी तकरीर दा शाजी ने छोड़े। मेरे बाबा जी हजूर ने मैंने एक गल सिखाई ताजदारे चूरा शरीफ ने, ते मैंने फरमान लगे चोगा मिलता रहे ना ते चिड़िया आउंदिया रह दियां ने, चोगा मिलता रहे ते चिड़िया आउंदियां रह दियां ने। गिरामी कदर हजरात हुण मेरा ईमान कहंदा जिहड़े नबी दे दर दे मंगदे ने ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਐ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ ਯਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਖਿਦਰਾਂ ਦਾ ਤਸਵਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕਹੋ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਵੇ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋਂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਯਾ नबी करी दरवाजा खड़किया मेरे नबी ने पूछा कौन अर्द की गई आवाज आई सोने एक मंगता आया भुख लगी खाना दे मेरे नबी ने साबा वाल वेख्या सारे गर्दना झुका लिया क्योंकि मदीने उन्होंने दिन च गुरबत बड़ी है साबा दे घर खावन वास्ते कुछ नहीं मेरे नबी ने वेख्या फरमाया अली किथे वे अर्द की या रसूल अल्लाह हाजिर आओ फरमाया मंगते नु घर लै जाओ मेरी बेटी जारा ने आखी मंगता नबी ते बुबी आया नबी ने जारा दे बुए भेजिया आ आ आ हुण मैं तैनूं ओदी सखावत दसां जिन्हों मुहम्मद ने पाले नबी दी आल दी सखावत शुरू हो गई। भाई मेरे नबी दे बुए आके मंगते ने अर्द की या रसूल अल्लाह कुछ खावन नूं दे आ जे। लोग कहंदे ने ऐ ना आख्या करो नबी दा सदका खाने आ, ये किथे लिखे रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना
कदे वा अम्मसा इला फला तनहर दी तफसीर पढ़ के वेख नहीं ते वा इजासा अलक इबादी अन्नी फा इन्नी करीब दी सब पढ़ के तफसीर वेख तेन पता लग जे ओ केड़ा हो जड़ा मुहम्मद दे दर दा सवाली बन के नहीं बैठा हो। अल्लाह फरमांदा वा इजासा अलक इबादी, अल्लाह फरमांदा बंदा होवे मेरा ते सवाली होवे तेरा, बंदा मेरा ते सवाली तेरा। ते दुनिया नहीं मंगे, अल्लाह फरमांदा है पूछे रब किथे वे, मैं रब नूं मिलन आया। अच्छा बंदा रब दा सवाली मुस्तफा दा ते लैन रब आया, ते अल्लाह अगू की फरमा रहा अन्नी फा इन्नी करीब। उन्हों क्या जे रब नेड़े ही है, नहीं समझे मैं आसान करा, रब नेड़े ही है। क्यों? अल्लाह फरमांदा है मैं सारे दे नेड़े, पर जेड़ा कमली वाले तेरे को बह के पूछे रब किथे वे, ते उन्हों दस ओ मुहम्मद रब को दूर है जिथे कमली वाला उथे रब नहीं फाइन नहीं करी। मेरे को आके भी पूछना रब किथे वे, रब उथे ही है जिथे मुहम्मद दी जात है, रब ते मुहम्मद को जुदा ते नहीं ना। पता लग्या नबी दे बुवे सवाली बन जाईदा, उन्हों सवाली आया ना, कह लगा या रसूल अल्लाह कुछ दियो। हजूर ने फरमा दी घर लै जो, मौला अली लैके घर गए, सैयदा ज़ारा पाक नु पुछया सवाली आया ते हजूर फरमांदे ने कुछ खामन दियो। सैयदा ज़ारा पाक कह लगी हजूर तीन दिन गुजरे घर खादा कुछ नहीं, चूल्हा चलिया नहीं, बच्चे भी भुखे ने, फाका है। आख्या हुण मंगता आ गया खाली ते नहीं ना जान देना। रसूल अल्लाह दी बेटी ने अर्ज की हजूर खाली ते मैं जान नहीं देना। ते एक घड़ी ठहरिया जे, पुराना जो संदूक खोलिया विचों नवी जी चादर निकाली। शाजी वो एक ही चादर जड़ी मेरे नबी ने अपनी बेटी नु जहेज च दिती सी, जड़ी अजे सैयद ज़ारा पाक ने एक मरतबा भी सिर ते ओढ़ के नहीं वेखी, नवी चादर। तुसी नहीं समझना, जाके घर किसी मां बहन बेटी नु पुछा जे जड़ी जहेज विच तेनू कोई चीज मिले, बीबी हाथ लगा देंदी किसी नू नहीं ना। वो कहती मेरे बाप ते मेरे भाई ने सारी जिंदगी कमा के दी है, खामत सारी जिंदगी कमा के देवे। ते बीबियां आखिर ते पता की कहंदियां, मैनू की देता है। हाँ फिर कहंदियां जदों दी आईयां ना तेरे घर, अगे तुहानू पता ही है ना, ते पेकियां तो आ जाए ना 2000 ईद। कोई हाथ लगा के वो खाए, दो साल बाद भी कह दिया अब्बा जी बहिश्ती ने 2 साल पहले 2000 ईद भेजी सी। शोहर दी कमाई दा नाम नहीं, पर पेकियां दी चीज संभाल के रख दिया। पर वाह मुहम्मद दी बेटी, मैं तेरे किरदार तो ही सदके जावां। नौजवानों सैयदा ज़ारा पाक ने चादर मौला अली नूं अता की थी, अर्ज कर दिया ने मेरी नवी चादर लै जाओ। शमून यहूदी दी दुकान ते जाया जे, उन्हों या क्या जे चादर रख ले थोड़े जौं दे दे, मैं वो जौं पीस के आटा बना के नो रोटी पकाओ के देवा। मौला अली चादर लेके शमून यहूदी दी दुकान ते गए, फरमाया शमून चादर रख ले थोड़े जौं दे दे। उन्हें आख्या अली केड़ा वेला आ गया है, हुण एड़ा भी केड़ा वेला आ गया है, चादरां वेच के जौं खरीद दियो। फरमाया अपने वास्ते नहीं, बुवे ते मंगदा आ गया, खाली नहीं जान देनो। ए नबी दी बेटी दी जहेज दी चादर है, ए चादर रख ले दाने दे दे। शमून नाले दाने तो ले, नाले दाने देंदा ही, नाले चादर वापस कीती। मौला अली टुरे कह लगा ली जांदा जांदा मुहम्मद कलमा पढ़ाई जाओ। आपने फरमाया तेनू की होया? कह लगा मैं तौरात च पढ़िया है, आखरी नबी दी निशानी होवेगी, आप भुखे रह लैणगे, मंगता खाली नहीं जाओ। सुभान अल्लाह।
खुद तो रहे भूखे औरों को खिला देते हैं। मैं जब पढ़ना हूं नवा खुद तो रहे भूखे औरों को खिला देते हैं, खुद तो रहे भूखे औरों को खिला देते हैं, बड़े फयाज हैं मुहम्मद के घराने वाले। जी आखो ते पंजाबी च तर्जमा सुनावा एदा, हाथ खड़ा करो जिन्हों लगता मैं नबी की आल दे सदके पालना। दोवें हाथ इंज नहीं इंज इंज करके ना मगते वागू जिमें मगते दे कटोरे होंगे ने भर के अज जाने ना सा सखियां दे बूवे आया ते मेरे बाबा जी साजदारे चूरा शरीफ फरमाते ने सखी दे बूवे तो मगता खाली टुट जाए ना, मगते का कुछ नहीं विगड़ता सखियां दे बूवे नू लाज लग जाती है। इस वास्ते सखी बूवे तो मंगते खाली नहीं भेजते, असी तो वड्डे सखियां दे बूवे दे मगते बन के बैठे। मेरा ईमान कहता मंगता भी जाता पढ़ता होगा बड़ा लजपा है तेरा कराना या जड़ा जड़ा मंगता बन के आया नबी दिया दा बड़े बड़ा लज पार है तेरा कराना या रसूल अल्लाह बड़ा लज पार कराना या रसूल अल्लाह बड़ा लजपार है तेरा कराना या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों में पलता है जमाना या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या। ये तो आनू आज मिलते ने मेरिया जेबा बरिया ना परचियां ना सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जान। मैं जो वेस्टकोट घर जाके उतारना ना तो यकीन करो पर्चियां ना भरी होंदियां ने जेबां, कोई आख्या हुंदा जी आ भी सुना दिओ, किसे लिखे हुंदा आ भी सुना दिओ, आ भी सुना दिओ, आ भी सुना दिओ, मैं वो कागजात रखे नो, मैं वड्डा जिहा थैला रखा जिहदे च मैं जमा करके रखे। अगर फरमाइशां सारी रात मैं पूरियां करदा रहा तो यह तो बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाती, मगर इंशाल्लाह मैं सुना के जावांगा जी। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। मौला अली जदों कूफे गए ना, आपने दारुल खिलाफा जदों कूफा नूं बनाया, गर्मियां दी दोपहर दा वेला ते मौला अली किसे सफर तो थक के वापस आए ते आराम फरमावन लगे। आपका गुलाम कंबर जिन्हें सारी जिंदगी मौला अली दी खिदमत गुजारी, कंबर ने दरवाजे च खलो के बड़े अदब नाल अर्ज की, हजूर अजे लेटे अजे ना, हजूर वो बार ना एक मंगता है। आपने फरमाया की मंगता है, अर्ज की हजूर एक रोटी मंग रहे। आपने फरमाया कंबर तेन जिंदगी मेरे नाल गुजर गई, तेन मेरी सखावत का पता है, वो जो मंगता दे दे, रोटी मंगता दे दे। कंबर खड़ा, हजूर फरमाते ने जानता नहीं, कहने लगा टुरते जावा, वो जिहड़ी रोटी है ना हजूर वो रोटियां वाले तबा के च। फरमा सारा तबाक दे देना। कंबर खड़ा, फरमा जानता नहीं, अर्ज की जावा वो जेड़ा रोटियां वाला तबाक है ना वो मैं जे ऊंट दे कचावे तो उतारिया ने। फरमाया ते कचावा भी दे दे। कंबर फिर खड़ा, फरमा जानता नहीं, अर्ज की हजूर वो जेड़ा कचावा है ना वो अजे ऊंट तो ही है, मैं भी सफर तो थकिया ही आया तो मैं अजे उतारिया नहीं, तो मैं भी इवें लेट गया तो ऊंट तो ही है। फरमाया तो ऊंट ही दे दे। अच्छा और रोटी लैन आया, फरमाया ऊंट दे दे। कंबर फिर खड़ा, फरमाया जानता नहीं, कह लगा लजपाला जड़ा रोटियां वाला ऊंट है ओ सत्तर ऊंटा की कतार के दरमियान ले ऊंट
ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਕੰਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੰਬਰ ਨੇ ਮੁਹਾਰ ਉੱਥੇ ਸੱਟੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਜਪਾਲਾ ਤੇਰੀ ਸਖਾਵਤ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਆ ਜੇ ਬੜਾ ਲਜਪਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਏਡੇ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਤ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵਗਰਨਾ ਕੱਦ ਮੇ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਸਾਏ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਰਗਾ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਣਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਅਨਵਰ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸਮਾ ਜਾਵਨ ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਬ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਬ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਜੋੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੁੱਬਾ ਸਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣ ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਰੀਦਾਰ ਜੁੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਪਾਕ 'ਚ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਗੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੁੱਬਾ ਕਿਸੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੱਭ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਆਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਈ ਅਕਲਬੀ ਵਾਲੇ ਵਾਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਰਤੀਬ ਜ਼ਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਤਾ ਆਇਆ ਫਰਮਾ ਦੋ ਗੜੀਆਂ ਠਹਿਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਦੇਵਨ ਲਿਖਿਆ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ 10,000 ਦਿਰਮ ਦਾ ਨਾ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਰਵਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜਿਆ 1,00,000 ਦਿਰਮ ਸੀ ਇੱਕ ਰਵਾਜ਼ 'ਚ 10,000 ਦਿਰਮ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਉਸ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਵਾ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਫਰਮਾ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਦਿਰਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਦਿਰਮ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਅੱਛਾ 10,000 ਦਿਰਮ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ 1-2 ਦਿਰਮ ਫਰਮਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰੱਖ ਜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਦੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ੀ ਪੇ ਮੰਗ ਦਿਓ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪਿਆ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਛ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਬੋਲੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਵਾਂ
मैं उन्हें शर्मिंदा क्यों करा, क्यों फरमाया शर्मिंदा ही क्यों करा, क्यों मेरे को मंगे थे मैं देवा, फरमाया मैंने बगैर मंगया दी जाता है मैं भी बगैर मंगते मंगया दी जाना। गिरामी कदर हजरात वो ने नबी दे घर वाले एडे सखी इमामे हुसैन के दरवाजे से आ गया मंगता, पर जोड़ा मंगता आया ना वो मंगता नहीं सी, वो चौधरी से अपने इलाके का वक्त वो माड़ा उन ख्याल आया जब दुनियादार को उधार मंगया तो उन्हें कहना उंज तो चौधरी है तो उधार मंग दे इज्जत नहीं रहनी ते होवे ना ते उदे कोलो ना मंगा जिन्हें दे के मेना ही नहीं मारना। तुसी सुभान अल्लाह भावे घर जाके बोले तकरीर मैं करके ही जानी है आज तकरीर सच्ची गल है जी अफ जी मैं इन्हों नहीं सुना रहा असल च मैं अपने आप नहीं सुना रहा मैं अपनी मौज चा अलहमदुल्ला मैं अपनी मौज चा जो भाई उन ख्याल आया जो दुनियादार को मंगया तो कुछ कमीने होंगे ने दे के एहसान जतला दें दे। अंदरों कमीने होंगे ओदे को ना मंगा जिन्हें दे के ते एहसान जतलाना नहीं। आ गया इमामे हसन दे बुए हुन वो मंगता नहीं सी ना चौधरी सी आप वंडन वाला सी उन्हों मंगन का तरीका नहीं आया। दरवाजा खड़किया ते नौकरानी लौंडी बाहर आई ना ते उन्हें पता कीता अरबियां दी आदत है हर गल शेर च करदे ने शेर शायरी फिलबदी करदे सन उन्हें एक अरबी दा शेर लिख के भेज दिता ते शेर च की कहंदे कहंदा सखी दे बूहे ते मंगता आया दुनियादार कोल मंगदा उन्हें मैंने मारने सन मैं ओदे बूहे आया जिन्हें देख के कदे मैंना नहीं मारिया। इमामे हुसैन ने जद शेर पढ़िया ते समझ गए कि बंदा कोई चौधरी है अना वाला है अकड़ वाला भी है मंगता भी नहीं मंगना आंदा नहीं ते उन्हें तरीके नाल मंगया ते आपने भी उहदा भरम रखने वास्ते ना आप खुद बार नहीं आए अपने सारे गुलामन फरमाया आ भी चीज़ ले आओ आ भी इकट्ठी करो आ भी इकट्ठी करो आ भी सारा कुछ इकट्ठा करो इन्हें देिए इकट्ठा कर दिया। कुछ देर गुजर गई ना वो समझिया खौरे मेरा पैगाम नहीं मिले ते जे मिले ते देना नहीं उन्हें फिर दरवाज़ा खड़का दिता लौंडी बाहर गई उन्हें एक होर शेर लिख के भेजिया ते शेर में कहता है जे मैं खाली टुर गया ना तो लोग पुछना सखी दे बूहे गया सें की दिता तो जे मैं आख्या उन्हें कुछ नहीं दिता तो लोग आखना यह नहीं हो सकता एडे सखी दे बूहे जावे ते खाली आ जाए ते जे मैं आखा दिता है ते ओ झूठ हो जाना है। उन्हें आ शेर लिख के जो भेजा अंदर ते इमामे हुसैन पढ़ के समझ गए कि बंदा काला पै गया। आपने फरमाया गुलामों ने जो कट्ठा है ना जल्दी जल्दी भेज दे वो सारा लैके टुरे ना ते आपने भी एक अरबी का शेर लिख के बिच रख दिता। उन्हें जदों घर जाके समान खोलिया तो विचों परची निकली तो शेर उत्ते लिखिया सी सखी दे बूहे मंगता बन के आया सा पर थोड़ा काला ही पै गया सें पर मैं तेरे जोगा इकट्ठा पिया करदा सा पर जो इकट्ठा होया लै जा तू समझी तू मंगिया नहीं तो असीं समझा गया सा दित्ता ही तू समझी तू मंगिया नहीं तो असीं समझा गया सा दित्ता ही नहीं। अच्छा जी इज्जत नफ्स भी ओदी रख ले फरमाया तू समझी तू मंगिया ही नहीं मदीने तो मक्के वल राज भुख लगे इमामे 25-25 हज दोवां ने पैदल किते लोगां नूं हज कराउंदे ने ते सवारियां ते भेजदे ने आप पैदल जांदे ने लोगां दे हाजियां दे काफले गुजरदे ते वेखदे ने इमामे हसन हुसैन नबी दे दुत्तरे पैदल जा रहे लोग सवारियां तो उतर जांदे ने हजूर असीं वी नाल टुरने आ आपने फरमाना नहीं तुसीं सवारियां ते जाओ असां पैदल जाणा है हजूर क्यों फरमा वड्डी बारगाह चले आ ना सवारी ते जांदे आ हया हुंदी है। इमामे हसन नूं किसे पुछया पैदल क्यों जांदे हो आपने फरमाया जे कयामत नूं रब ने मैनूं पुछ लिया तू मेरे घर पैदल भी नहीं आ सकदा ते मैं की जवाब देवांगा फरमाया वड्डी बारगाह चलिया पैदल जा रहे 25-25 हज दोनों ने पैदल मदीने तो मक्के कीते 350 मील का फासला है भुख लग गई इमामे हसन फरमा लगे हुसैन भाई जान भुख लगी कुछ खावन लई आपने की हजूर खजूरां भी मुक गई सत्तू भी मुक गए पानी भी खत्म हो गया और कुल्ली दंदर आ रही थे कुछ लैके आवा दरवाजा खड़काया दोवें वीर कट्ठे आए ना माई बाहर आई कह लगी जी कित्थों आए हो ते की चाहिए आख्या माई जी हाजी हाँ तो भुख लगी कुछ खावन नूं मिल जाए माई ने जदों सोहणियां सूरतां वेखियां ना तो अखां चथरू आ गए तो रो के आसमान वल वेख के कहंदी कदे एडा गरीब ना बना दूं एडे सोहणे परौणे कदे खाली ना जाण दे दे माई हाथ जोड़ के कहन लगी मैं बड़े गरीब हाँ तो मेरे घर खावन लिए कुछ नहीं माफ़ी करे आजे इमामे हसन ने फरमाया अम्मा जी असी कदे किसी दे बूहे गए नहीं हुण आ गए तो खाली असा जाना कोई नहीं तो भावें पानी दे प्याला पिलाओ तो असा पी के जाना है। माई खुश होकर कहन लगी जो तू गड़ियाँ ठहरो तो मैं दुध का प्याला ना लैके आवा फरमा जी अम्मा जी माई बकरी का दुध धो के लाई आधा इमामे हसन ने पी लिया आधा इमामे हुसैन ने पी लिया
पीर टुरन लगे तवाई दिया कदे थ्रू आ गए कह लगी बटुर चले वे केड़ी मां दे लाल केड़ी सोनिया सगला केड़ी मां दे लाल कदे मिलन दिल करे वेखन जी करे किथे आवा इमाम हसन ने फरमाया मां कदे मिलन जी करे मदीने आ जाई कह लगी वे हुंदे कौन मुड़ के फरमाया अम्मा कदे मदीने आवे मुहम्मद दे पुत्रां दा घर पुछ किया भाई साडा एड्रेस है असी मुहम्मद दे घर वाले हां हज करके दोवे वीर मदीने समाई नु फिरदा वेख लिया पहचान गए ते ओही माई है सुभान अल्लाह माई नु घर ले आए कई दिन खिदमत की एक दिन माई कहन लगी मेनू घर भी जान दियो इमाम हसन ने माई नु 3000 दिरहम ते 1000 बकरी अता की थी नहीं बोले सुभान अल्लाह मैं क्या 3000 दिरहम ते 1000 बकरी माई दरवाजे च गई थी इमाम हसन फरमा देने अम्मा जी ए मैं अपना हिस्सा देता है अद्धा प्याला दुद्ध हुसैन भी पीता सी माई नु इमाम हुसैन दे घर छोड़ा है उन्हें भी बड़े दिन खिदमत की माई टूरन लगी ते इमाम हुसैन ने भी 1000 बकरी ते 3000 दिरहम दे के कान च फरमाते ने मेरे घर पहले आते थे मैं बहुते देने सन हूँ बहुते इस वास्ते नहीं देने के बड़े वीर ये ना लगे छोटा होके मेरा बड़ा सखी बनता है माई दो आधार बकरियां लेके मदीने दी जूच निकलन लगी मुड़ के कह लगी वेने दिन खिदमत करते रहे हो बे सच्ची पूछो मैं पूछने ही नहीं कौन इमाम हसन फरमान लगी अम्मा दुध दा प्याला पिला के इत्थे ही भुल गई है असी दुध रे मुहम्मद दे आ कयामत आ लैन दे असा तेनू ही उत्थे भी नहीं भुलना हुण ते असा जन्नत च भी तेनू नाल ही लैके जाना है बड़ा लजपाल है तेरा घराना एडे लजपाल ने नबी दे घर वाले अजे मैं तुहानू उन्हां दी शान दा सिर्फ एक पहलू सखावत सुनाया है जे बाकी पहलू छेड़ा ते अलहम्दुलिल्लाह करीम दे जोड़ें दा सदका फिर इत्थे जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ कौन उन्हों की शाना बयान करे जो नबी के घर च वसते हो ग्रामीय कदर हजरात लो हजरत दाइया कलबी वाला बाकी आखिर तो दो चार कलिमात सुन लो तो फिर इजाजत जाग दे हो उच्चा बोलो ये जो तुसी बुलाओगे थोड़े घर आके इंशाल्लाह फिर मैं सदके जा मैं अगे प्रोग्राम से जाना है ना फिर वो घंटा एक होर लग जाने फिर सुना दूंगे वो कहते ने पेंडू वाला वाक्य सुना दो तो उधार कर लिया नहीं दो मिनट जो सुनाया नहीं ना जाता लंबे गल नहीं मेरी जान फिर वो शार्ट कर दिया सुना देवे फिर कदम सुना देवे अज ही सारा कुछ तो नहीं ना भाई एक तकरीर च सारा कुछ नहीं हो सकता खिचड़ी तो नहीं ना तकरीर आती कि यह भी पालो यह भी पालो तकरीर एक तरतीब न चलती ठीक है भाई ये खतीब न पता होंगे तुसी अपने अपने फन के माहिर हो मोची अपने फन का माहिर है दर्जी अपने फन का माहिर है हर एक अपने फन का माहिर मैं अपने फन का माहिर हाँ मैं पता तकरीर किस तरह करनी भाई तरतीब ना जी बिस्मिल्लाह तवज्जो फरमाई नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीने की गली चु जा रहे तो सोहना जहा नौजवान देखे जिदा नाम है दहिया कलबी इतना हसीन के अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह फरमाते ने चप चेहरे ते नकाब रखता सी कि कोई औरत हुसन वेख के फितने च मुब्तिला ना हो जाए हजरत शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि इतना हसीन के औरतां दरवाजे पीछे छुप के उदा रस्ता उड़ीक दियां सन कि कदों गुजरे तो वेख लेंदे किन्ना कु सोहना होगा जो मेरे नबी को सोहना लगा होगा रात को नबी करीम ने सजद चुदे वास्ते दुआ की अर्ज की अल्लाह मर्जो के लिए सलामत दहिया तक कलबी अर्ज की अल्लाह एडा सोहना बनाई तो दो दखे च साड़न नहीं बनाए इन्हों मेरी गुलामी अता कर मैं जन्नत का वारिस बना देव कद कद नबी पा किसी यहूदी को वेख के रो पैना साहब अर्ज करनी क्यों रोए हजूर ने फरमाना इन्हें दो दख च सड़ जाए यह मेरा कलमा क्यों नहीं पढ़ता सच्ची दस जिन गैर का इन्ना कम है उम्मत का किन्ना कु कम होगा हजूर ने वास्ते रात को दुआ की सुबह दहिया कलबी रोंदे आ गए आके अर्ज की मैं मदीने के करीब एक गाँव का चौधरी हाँ 700 अफराद के कबीले का सरदार हाँ
ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁਸਨ ਬੜਾ ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਤਮੀ ਨਬੂਵਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਹਤਰੀਗਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕਲਿਮਾ ਤੇ ਪੜ ਲਵਾਂ ਮਗਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਇਤਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਲਿਮਾ ਪੜ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਲਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਯਾਦ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ 70 ਬੱਚੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੈਯਦ ਆਲਮਜ਼ਾਰੋ ਕਿਤਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 1, 2, 3, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 2 ਜਾਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਣ ਉਹ ਮਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕੋ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੋ ਸੋ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਹਬੁਲੀ ਮੈਂ ਯਸ਼ਾ ਉਹ ਇਨਾਥਮ ਉਹ ਯਹਬੁਲੀ ਮੈਂ ਯਸ਼ਾ ਉਹ ਦੁਖੂਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਬੇਟੇ ਦੇਵਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਾਇਦਲ ਮਉਊਦਤੁ ਸੁਇਲਤ ਬਿਅਜਤਮ ਬਿਨ ਖੁਤਿਲਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਮਤ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਪ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 70 ਬੱਚੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਰੋ ਰਹੇ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਰੋਵੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਆਇੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਦਾਈਆ ਫਿਰ ਰੋਦੇ ਫਰਮਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਯਾਦ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੈਯਦ ਆਲਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਜਾਰਤ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਲ ਲਵੀਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸੇ ਕਿਤੇ ਆਲਮ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘਰ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਲਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛਿੜਕ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਪ ਅਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਈਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀਰ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਉਹ ਭਾਈ ਝਿੜਕ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੀਆਂ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਹੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਲੱਭਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ
किते टुर गया सैं मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही आं मैं तेनूं वाजां मारदी रही आं अर्द कीती कमली वाले बच्ची नूं धक्का मारिया अपनी बीवी नूं पुछिया कौन है ओदी मां ने हाथ जोड़ ले कहन लगी दाया मरीना तेरी बेटी है अपनी मां दी जान है अर्द कीती सोनिया बच्ची दी सूरत मेरे नाल मिलदी है दिल कीता बेटी नूं सीने नाल लगा लवां फिर ख्याल आया लोग आखने साड़ियां दफन करदा रहा अपनी नूं सीने नाल लगा के रखे आई अपनी बीवी नूं आके नूं तैयार कर दफन कर आवां कोई मैनू बेटी दा बाप ना आखे अर्द कीती सोनिया ओदी मां ने कदम फड़ ले कहन लगी दा यार मरीना इहदी मां मर जाएगी अर्ज कीती सोनिया बीवी नूं धक्का मारिया अपनी बेटी नूं लैके जंगल वल जा रहा ओ बेटी राह च मेरा मुंह चुमदी है मैनू प्यार करदी है नाले कहंदी है बाबा किथे टुर गया सैं मैं ते तेरियां राहां वेखदी रही आं मैं तेनूं वाजां मारदी रही आं जे बाबा आ गया खिलौने लैके नहीं आया आजा मैनूं बाजार खिलौने लै दे बाबा जोड़े लैके नहीं आया आजा नवें जोड़े लै दे मैं कदे नानके नहीं गई आजा नानके चलने अर्थ की दी सोनिया बच्ची नूं मेरे आमद चा चढ़े हुए ने मैं ते बच्ची नाल बोलदा ही नहीं औलादा वालियो अद्धी रात वेले अज भी बाप घरे आवे पुत्तर सो जांदे ने अज भी धीए प्यों दियां रावां उड़ीकदियां ने अज भी बाप घरे आवे कोई नसीबां वाला पुत्तर सीने लगदा है अज भी धीए दौड़ के प्यों नूं जफ्फे मार लैंदियां ने अर्ध कीती कमली वाले जंगल आया मैं बच्ची नूं धुप्पे बिठा के ओदी कबर खोद रहा ओ बच्ची अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ करदी है मैनूं पानी पिलांदी है नाले कहंदी है बाबा छावें आ जाओ बड़े सालां दा थके आया है अर्ध कीती सोनिया मैं बच्ची नाल बोलदा ही नहीं कमली वाले कबर तैयार होई मैं बच्ची नूं करीब ला के बच्ची नूं धक्का मारिया ओ बच्ची अपने ते मिट्टी आप सुटदी है ओ समझदी है मैं पई खेडनी हां कमली वाले मैं भी बच्ची ते मिट्टी पांदा रहा जदू बच्ची दा सांस बंद होवन लग्या बच्ची निके निके हाथ जोड़ ले कहन लगी बाबा मरीना मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही हां मैं ते तेनू वाजां मारदी रही हां ते बाबा मरीना जे मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवांगी ते बाबा मरीना जोड़े नहीं मंगदी ते बाबा मरीना ना खिलौने नहीं मंगदी बाबा मरीना नानके भी नहीं जांदी अर्ज कीती सोनिया दर्शन आया मिट्टी पांदा रहा ओ बाबा बाबा करदी रही सोनिया रात नूं लेटना अज भी ओदियां बाबा बाबा दियां आवाज़ां आउंदियां ने रातां दी नींद मुक गई दिनां दे आराम खत्म हो गए मेरे आका रोई जा रहे अर्ज कीती सोनिया ने निके निके हाथ जोड़े कहन लगी बाबा ए भी नहीं कहंदी मरीना तेरी बेटी मार जाओ पर जांदी वार दस जाओ मेरा कसूर की है अर्द कीती सोनिया दर्शन आया मिट्टी पांदा रे आओ बच्ची ने आखरी वेले आसमां उन वल वेखे आओ कहन लगी नीली छत वाले आओ इन्हां बेटियां नूं पैदा ही क्यों करना है कदों थक मरदियां रहां गईयां कहन लगी सुनिया तेरा इक नबी आउणा है उन्ने आके बेटियां नूं सीने नाल लाउणा है कहन लगी वे आउण वाले आ जरा जल्दी आ जाओ धीआं मर चलियां नी अर्द कीती सोनिया बच्ची दफन हो गई सरकार ना रोए मेरे आका दी दाड़ी मुबारक तरे हो गई सहाबा धड़ा मार के रो रहे किसे आख्या दाइया चुप कर जाओ क्यों पिया नबी नूं रुलाना है तेरे आका ने फरमाया दाइया एक बारी फिर उस बेटी दी गल सुना जड़ी मुहम्मद दी उड़ी कहीं कर दी टुर गई